ये गाइस ये लहसुन है, लहसुन बिहार के लोग समझ गए हो क्या है, इसको गाइस चूसना पड़ता है। भाई पूरा जूसी है पता है, अंदर से पूरा इसका रस बढ़ा हुआ है, बहुत मस्त। उफ, भर पेट पुष्ट, भर मजेदार, मतलब मजा आ गया टिबेट वाला। 2-3 हज़ार का। तो गाइस अभी राशन वासन सब कुछ घर का ले चुके हैं सुपरमार्केट आर के, अब चलिए यहाँ से पेमेंट वेमेंट करा के निकलते हैं बाहर। सो व्हाट इज अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। जो कि बिहार टू स्काई था वो आज चेंज हो चुका है डाकू ब्लॉग्स में। मैंने उसको कुछ रीजन से चेंज किया गाइस, क्योंकि डाकू का मेरे लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो चुका है, क्योंकि आपको मैं दिखा देता हूँ। अब आप समझ चुके हैं अपना जो बाइक है उसका नाम मैंने डाकू रख दिया था, तो उसी के नाम पे मैंने अपना चैनल भी रख दिया है कि मैं चाहता हूँ बस आप देखें, आप इंजॉय करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस देखिए इस बंदे को पता नहीं क्या मन था, मेरा बाइक को पीछे घुमा रहा था कि रुक जा पीछे पीछे, अरे देख के भाई पंकज। चलिए अभी चलते हैं घर पे। मटन का क्या सीन है बताओ? खाएंगे। अरे खाना तो है ही मटन। आज इन लोगों को दिखाने वाले हैं कि मटन और राइस और रोटी जो बनता है अपना कैसे बनाते हैं बैचलर लाइफ में। दिखाएं दिखाएं, कहाँ सदमा में है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हें। सदमा में कहाँ, चलो चलो तो गाइस निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस गए तो थे मटन लाने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मंडे है यार, और मंडे को मटन नहीं मिलता है शायद से बैंगलोर में, जिस शॉप से लोग मटन लाते थे मटन वो शॉप ही क्लोज था गाइस। कोई बात नहीं, मटन नहीं तो चिकन सही, चिकन लेके आए गाइस, मस्त बनाएंगे आज, बताइएगा कैसा लगे आप लोगों को। चैनल में है सब्सक्राइब कीजिए। अब आपको दिखाते हैं नीचे क्या हो रहा है, नीचे में क्या हो रहा है जल्द देखिए ध्यान से। तो गाइज यहाँ पे अपने पंकज भाई और राहुल भाई हैं, फिलहाल अपना रॉयल मार्ट का सामान हो चुका है इकट्ठा, और देखिए यहाँ पे मस्त अनियन कटा जा रहा है, प्याज। अब देखिए आपको चिकन दिखाता हूँ गाइज, यहाँ पे चिकन का पूरा सेटअप तैयार है, यहाँ पे चिकन मस्त अभी मैरिनेशन के लिए मैं डाल दिया हूँ। अब आपको बताता हूँ मैं कि स्टूडेंट लाइफ में बैचलर जो होते हैं, स्टूडेंट लाइफ तो चला ही गया। तो गाइज यहाँ पे आ गया है अपना प्याज। अब देखिए प्याज को आप चाहे तो फ्राई भी कर सकते हैं अलग से, लेकिन अब मैंने जैसा बताया आपको बैचलर लोग कैसे बनाते हैं, जो जिनके घर में मतलब कुछ सीन नहीं है बनाने का, तो चलिए आपको बता रहे हैं कैसे बनाएंगे। तो मसाला वसाला सब इसमें आप डाल दीजिए, जो भी आपका मसाला है, वैसा कुछ कुछ वैसा जादू नहीं है भाई। तो इसका जो प्याज है ना, प्याज प्याज को आप इसमें डाल दीजिए पूरा। अब इसमें पड़ेगा गाइस जिंजर गार्लिक का पेस्ट, पेस्ट के हम लोग दिखाएंगे कैसे, पंकज उसको पेस्ट हम लोग नहीं बनाते हैं, पेस्ट बनाएंगे तो इसका मजा ही खत्म हो जाएगा। मैं आपको बात बता रहा था वो, अब देखो कैसे पंकज कूट रहा है। पंकज एक बार दिखा दो अंदर क्या है, एक बार दिखा दो। सो गाइस देखिए अदरक है, क्या है अदरक है, लहसुन, जिंजर और गार्लिक है गाइस। देखिए कैसे थकुचा जा रहा है, पहले पंकज डाल कैसे डालते हैं हम लोग दिखा देते हैं पब्लिक को। डालो डालो डालो। तो गाइस देखिए इसमें अब जिंजर गार्लिक पेस्ट पूरा जा रहा है, देखिए कैसे, मतलब अगर बैचलर हैं आपके पास टाइम नहीं है बनाने का, देखिए ऐसे बनेगा। बस बस छोड़ दे भाई, रख दे बाकी काम मेरा है। अब देखिए गाइज ये गया, अब देखिए इसमें एक जादू करेंगे हम लोग। सबसे पहला देखिए हट हट, ये जो अब ये जो है विदाउट तोड़ा हुआ लहसुन है, ठीक है, विदाउट तोड़ा हुआ ये गार्लिक है। अब इसको चारों कोने में डाल दिए हैं, अब देखिए क्या मैजिक करने वाले हैं जिससे तुरंत बन जाएगा। बाकी इसको शिफ्ट करेंगे हम लोग कुकर में, प्रेशर कुकर में। अब देखिए यहाँ पे हम लोग डालेंगे क्या गाइस। अब देखिए इसमें अभी जिंजर गार्लिक सब पड़ चुका है, चार साइड पे गार्लिक भी डाल दिए हैं, इसको भाई चूसने में बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसमें डालते हैं कर्ड, देखिए कैसे कर्ड पड़ता है इसमें, हल्का हल्का। देखिए जिंजर गार्लिक पे थोड़ा सा कर्ड डालना है, हल्का हल्का साइड से बस कर्ड डालना है, देखिए उसके बाद देखिए बस 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 पड़ गया गाइस। देखिए इतना कर्ड पड़ गया, अब इस कर्ड को हम लोग छुएंगे नहीं गाइस, ठीक है, इसको छूना ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैजिक होने वाला है, बड़ा मस्त। अब मिक्स कर देते हैं ताकि जो नीचे में चिकन का जो पोर्शन है ना सब, वो सब इवेंटली स्प्रेड आउट हो जाए, ताकि कर्ड भी अपना अच्छे से मिल जाए। तो इसको देखिए कितना बेहतरीन तरीके से अब हम लोग कर देंगे, देखिए अब साइड साइड से करेंगे ताकि अच्छे से मिक्स मैच हो जाए पूरा। अब देखिए इसको कैसे मिक्स करना है, इसको बढ़िया तरीके से गाइस मिक्स करते हैं। और अब देखिए भाई इसका अभी से मतलब मैरिनेशन का स्मेल जो होता है ना, वो आपके खाने का पोजीशन सब कुछ को डिसाइड कर देता है, ठीक है। तो अब यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको पूरा मिक्स अच्छा से कर दिए, अब इसमें जो मस्टर्ड ऑयल है ना, तो मस्टर्ड ऑयल को डाल देंगे इसमें अच्छे से। अब देखिए चैनल पे बने रहिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाइएगा गाइस, ठीक है। सो गाइस अभी इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, अब देखिए क्या पड़ेगा इसमें, एक यहीं से मैजिक शुरू हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुकर का ये है ढक्कन, ठीक है, जो ढक्कन है अभी पता है इसमें एक पूरा ऑयल एकदम गर्म हो चुका है बहुत ज्यादा। अब देखिए क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा हम लोग पानी लेंगे, ठीक है, पानी लेंगे हल्का सा, ठीक है, हल्का सा मेरे हाथ में पानी है, देखिए गाइस थोड़ा सा पानी लेके
सो गाइज ये क्या किया मैंने, मैं बता रहा हूँ, इसमें जैसे मैंने पानी हल्का सा छीटा मारा है तो ये पूरा उबलने टाइप का हो गया, तो इसका जितना भी तेल में जो गंदगी थी ना वो निकल गई है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं, अभी जैसे ये एक बार सेटल एक बार हो जाए बस, भाई बच गया भाई, भाई बच गया भाई, भाई बच गया, अभी मुँह जल जाता भाई, बस बस एक मिनट रुको ना, अभी गर्म हो चुका गाइस, इसको अब मैं ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको शिफ्ट करेंगे अब इसमें, ठीक है, मज़ेदार चीज़। अब इसको मैं चार साइड से हल्का हल्का सब साइड में मैंने डाल दिया, ठीक है भाई, डर भी लगता है ना क्योंकि लड़कों को ज़्यादा आदत होता नहीं है, तो इसमें मैं देखिए अभी पूरा एकदम वेपर बन गया है, ठीक है। तो अब इसमें हम मैंने तेल डाल दिया है, अब इसको कुछ देर तक छोड़ देंगे, जस्ट 5 मिनट, वैसे मैंने मैरिनेशन का 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा टेस्टी बन जाता है बाई मिस्टेक गाइज। अभी देखिए क्या करने वाले हैं इसमें गाइज, मैंने फिर से गैस को ऑन कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से प्रिपरेशन शुरू होगा, वैसे इसको 5-10 मिनट और छोड़ दिया मैं आराम से, तो अभी इसको ढक के छोड़ा हूँ चिकन को। अब देखिए इसमें जाएगा थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मस्टर्ड ऑयल उसमें डाल दिया था बहुत ज़्यादा, तो हल्का सा बस डालेंगे ताकि हमारा चिकन में, अब देखिए इसमें क्या पड़ेगा, थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं। और मेरे पास है फिलहाल यहाँ पे जो भी खड़े गर्म मसाले जो भी हैं, यहाँ पे इसको पतरज बोलते हैं गाइस, और यहाँ पे देखिए लाल मिर्च है छोटा छोटा, और बड़ी इलायची भी है इसमें, दालचीनी भी है इसमें, और छोटी इलायची भी है। तो चलिए गाइस अभी ये देख लीजिए, छोटी इलायची, दालचीनी सब कुछ है, यहाँ बड़ी इलायची है सब कुछ है। तो चलिए अब इसमें डालते हैं, अब इसको इसमें हम लोग डालेंगे और हल्का सा कुछ देर बस, मतलब 1 मिनट से भी कम का टाइम लेंगे इसको मिक्स करने में, उसके बाद पूरा इसमें इधर डालेंगे। तो गाइस थोड़ा सा जीरा लेते हैं, ठीक है, और इसको डालेंगे थोड़े से अपने ऑयल में। देखिए ये ऑयल गर्म हो चुका है ऑलरेडी, तो अब इसको पूरे को हम डाल देते हैं इसमें मस्ती से, पूरा इसका इसमें चला गया, देख लीजिए। और देखिए इसको गाइस, मैंने सारा जो गर्म मसाला था इसमें, जो खड़े गर्म मसाले, उसको मैंने इसमें डाल के थोड़ा सर्कुलेट करके, और 1 मिनट का टाइम हो चुका है। तो चलिए अब इसमें से अब क्या करते हैं, चिकन को शिफ्ट करते हैं इसमें, ठीक है। आप देखिए इन 3-2-1 यस। तो गाइस देखिए अभी इसमें आ चुका है, अब इसको कुछ नहीं करेंगे, बस थोड़ा देर इसको बस खाली मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद इसको 20 मिनट के लिए ढक देंगे गाइस। और इसमें एक बात मैं बता दूँ, इसमें 1% का भी पानी का यूज़ हम करेंगे नहीं, क्योंकि पानी ऑटोमेटिक इसमें चिकन से आ जाएगा। और बताइएगा आपको, वैसे एक बात बताऊँ गाइस, सीरियसली इसका जो स्मेल है ना भाई, भाई 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 बवाल भाई, सीरियसली कभी ट्राई कीजिएगा गाइस इस तरह बनाने में, और एक लाइक जरूर दीजिएगा अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। देखिए साइड में आप देख सकते हैं क्या हारा है, पूरा साइड में देखिए तेल जो है उबलना शुरू हो गया है। अब सो गाइज अभी 20 मिनट ऑलरेडी फिर से हो चुका है, चलिए इसको खोल के आपको दिखाते हैं कि अंदर का क्या हाल है। भाई साहब अब इसमें पड़ेगा मसाला, देखिए पूरा तेल छोड़ दिया है गाइज, क्या खतरनाक टेस्ट बनेगा भाई, अभी पानी आ रहा है भाई मुंह में। तो किसी को जल्दी बताता नहीं हूँ, लेकिन आपको बता देता हूँ, हल्का फुल्का इसमें हल्का गर्म मसाला है, और थोड़ा सा चिकन मसाला हल्का सा, और हल्दी, तो बाकी सब कुछ। अब देखिए इसको इवनली चारों साइड से थोड़ा थोड़ा डाल देंगे इसमें हल्का सा पानी, बस यही जो पानी पड़ा यही पानी पड़ेगा इसमें, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से अब थोड़ा सा चला देता हूँ ताकि आपको दिख जाए, देखिए क्या गाइस क्या इसका इवन का देखिए टेक्सचर, देखिए गाइस चिकन का वो प्याज देखिए, फिर बस ये देखिए अभी साइड में देखिए तेल कैसे भाई, बस गाइस बस बन गया, आपको अब दिखाएंगे सर्विंग करके इसका, इसको चला देता हूँ मैं, ठीक है। सो गाइस अभी आपको दिखाते हैं कि अभी एक्चुअल में हो क्या रहा है, देखिए आपको दिखा रहा है पंकज का रोटी, देख लीजिए गाइस। चलिए गाइस आपको दिखाते हैं, रोटी यहाँ बन चुका है, रोटी बनाने में टाइम लग गया, बाकी अपना चिकन रेडी हो चुका है फाइनल, आपको निकाल के इसको दिखाते हैं कैसा लग रहा है। बाकी गाइस सच बताएं दोपहर से बनाना शुरू किए तो भूख भी बहुत तेज लगा हुआ है, देखते क्या होता है अभी कैसा मतलब लगता है आपको बताते हैं, लेकिन जो लग रहा है भाई टेस्टी तो है, क्यों मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लिया था साइड से और मज़ेदार बना है। वैसे आज दिन तो ख़त्म हो चुका है क्योंकि हम लोग प्लान किए हुए थे कि कहीं जाएंगे बाहर घूमने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो काम हो नहीं पाया क्योंकि शाम का 7 बज गया आपको उससे बैक टू ऑफिस। सो गाइस फाइनल प्रोसीजर ये है कि अब खाने की बारी आ चुकी है, अब इसको निकालते हैं प्लेट में। तो गाइस देखिए फाइनली प्लेट में निकाल दिए हैं लेग पीस, उसके पास भी लेग पीस है, लहसुन भी इधर है, देखिए गाइस देखिए देखिए बाप रे बाप, अब देखिए क्या गजब लग रहा है देखने में, टेक्सचर देखिए इसका टेक्सचर ही गजब लग रहा है, क्या बोले। अब चलिए रोटी वोटी निकल गया है, अब आपको दिखाते हैं खा के कि कैसा लगता है, वैसे गर्म बहुत ज़्यादा है लेकिन आपके लिए फिर भी मैं टच करके दिखाता हूँ क्या है, बहुत गर्म है गाइस,
देखिए गाइस इसका टेक्सचर देखिए कैसा है। ओ भाई साहब टेक्सचर अलग लेवल का बना है, ग्रेवी तो पूरा जूसी टाइप। जल्दी इसको खा के दिखाते हैं आपको। मतलब ये लहसुन जो है ना इसका खेल बिहार के लोग जान लेंगे ये लहसुन का क्या खेल है। देख लीजिए गाइस कैसा है, अलग लेवल का लग रहा है देखने में। गाइस सबसे पहले इसका जो ग्रेवी है ना ग्रेवी को टेस्ट करें, ठीक है। गाइस अलग लेवल का ग्रेवी है, आपको बता रहा हूँ पीस का। देखिए मस्त है भाई, रोटी के साथ देखते हैं खाने में, रोटी के साथ। रुकिए रोटी के साथ को ग्रेवी लेंगे। देखिए खाते रोटी के साथ गाइस ग्रेवी लेंगे। देखिए ग्रेवी बहुत मजा आ रहा है गाइस, जो बात है अलग लेवल का खाना बन गया, मेरे से बन गया वो तो आश्चर्यचकित का बात है। जो बात है ये गाइस ये लहसुन है, लहसुन बिहार के लोग समझ गए हों क्या है, इसको गाइस चूसना पड़ता है भाई, पूरा जूसी है पता है, अंदर से पूरा इसका रस बढ़ा हुआ है, बहुत मस्त। यहाँ कुछ लग रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन भाई खाने में मजा इससे ही आता है। अलग लेवल का बन गया भाई, मस्त गाइस। अब लेग पीस को ट्राई करेंगे, जो बात है जो मेन अपना रहता है चिकन का। देखिए गाइस लेग पीस मुझे पता है आपको देख के भूख लग गया होगा उसके लिए सॉरी, लेकिन जो बात है अलग लेवल का बन गया भाई। जो भाई मजा आ गया, जो बात है उफ, भर पेट पुष्ट भर मजेदार, मतलब मजा आ गया अल्टीमेट वाला। देखिए पानी वानी पिला, सेटिस्फेक्शन मिला नहीं पक्का, झूठ नहीं बोलना। शक्ल देखिए सो गाइस ऐसा है, मजा आ गया। आप लोग भी ट्राई कीजिए कभी, बनाइए अपने परिवार के साथ फैमिली के साथ और एंजॉय कीजिए लाइफ को। लाइफ में और कुछ क्या ही है, खाना है जीना है नहीं 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 ऐसा नहीं, काम भी करना है गाइस। फिलहाल आज हम लोग का छुट्टी का दिन है और इसीलिए हम लोग आज एंजॉय वगैरह कर लिए। बाकी अपने लाइफ में तो है वर्क होम होम वर्क, तो वही से लाइफ चल रहा है। तो चलिए गाइस इसी बात के साथ मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और डाकू की तरफ से आपको सैल्यूट है गाइस। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, प्लीज एक हल्का सा काम कर दोगे क्या, प्लीज थोड़ा सा, बस मैं आपसे कुछ भी कहाँ डिमांड करता हूँ, बस एक बात बोल रहा हूँ, ब्लॉग देख रहे हो तो प्लीज 2 मिनट 1 सेकंड लगेगा आपको बस का सब्सक्राइब कर दो ना गाइस प्लीज। ऐसे ऐसे एक से एक मजेदार वीडियोस ला के दिखाता रहूँ आपको, बस आपका हल्का सा सपोर्ट चाहिए, बस और कुछ नहीं मांग रहा हूँ आपसे, बस इतना कर दो। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हंसते रहिए हंसाते रहिए और अपनी जिंदगी को अच्छे से जीते रहिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।